साइबर सिटी के पॉश इलाके डीएलएफ फेज 3 पुलिस स्टेशन में एक 42 साल की महिला ने कांग्रेस की दिग्गज और पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा के बेटे पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि निखिल अल्वा उसे बार बार अश्लील मैसेज करता है, मना करने के बावजूद वो अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आता। महिला की शिकायत करने के बाद पुलिस का कहना है कि वो इसकी जांच करेगी। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में जो एक लगून अपार्टमेंट एम्बियंस गुड़गांव में है, वहाँ पर जो एक ग्रुप था उसके अंदर आपत्तिजनक मैसेज डालने के ऊपर वहाँ की एक महिला ने निखिल अल्वा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया 354D का, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। अभी जो ये जो मैटर है 4 दिसंबर 2018 का। पीड़िता ने निखिल अल्वा की इन हरकतों से परेशान होकर उसके खिलाफ नोटिस भी भेजा था, इसके बावजूद भी वो गंदे गंदे मैसेज भेजता रहा और लीगल नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। आखिर में मजबूर होकर पीड़िता ने पुलिस से मदद मांगी। पीड़िता ने बीती 28 तारीख को केस दर्ज कराया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस केस की तफ्तीश तो कर रही है लेकिन कोई ठोस कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। पिछले 3 साल से हमारे जो कॉमन फोरम ईमेल ग्रुप है हमारे कॉम्प्लेक्स का, उस पर लगातार मुझे अश्लील और अभद्र भाषा के अंदर मेल भेज रहे हैं। मेरे लगातार मना करने के बावजूद भी वो इस हरकत से बाज नहीं आए हैं। मैंने उनको बार बार रिक्वेस्ट भी की कि वो इस तरीके की लैंग्वेज ना यूज़ करें। ही शुड नॉट यूज़ दिस सेक्सुअली ओवरटोन्ड वर्ड्स एडजेक्टिव्स फॉर मी, पर वो बिल्कुल माने नहीं हैं। बहुत ही मुझे मेंटली हरास किया गया है। आई एम वेरी डिस्टर्ब बिकॉज उन्होंने बड़े सोचे समझे तरीके से मेरा करेक्टर असैसिनेट किया है। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले में हालांकि आरोपी निखिल कैमरे के सामने तो नहीं आया, लेकिन उसके द्वारा मामले को लेकर किए गए ट्वीट की प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है। निखिल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। केस की सही तरीके से जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि मामले की सच्चाई सामने आना अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस नेता के बेटे पर दर्ज की गई FIR से सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है। आलोक उपाध्याय, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।